गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कंक्रीट के ऊपर। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट एक वर्ड है जो कि कंक्रीटस से मिलकर बना हुआ है। कंक्रीटस का मतलब होता है सॉलिड या फिर कंपैक्ट। कंक्रीट को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल होता है जो कि सीमेंट, एग्रीगेट्स, वाटर और एडमिक्सचर से मिलकर बनता है। उसमें अगर हम लोग सीमेंट की बात करें तो सीमेंट बहुत अलग अलग टाइप के सीमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग लाइम का यूज़ करते हैं वहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल के लिए तो वो लाइम कंक्रीट बनती है। अगर हम लोग वहाँ पे एक सीमेंट का यूज़ करते हैं तो वो सीमेंट कंक्रीट बनती है। इस फिलहाल टाइम में हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला टाइप अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके तीन अलग अलग ग्रेड होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, उसके भी अलग अलग ग्रेड होते हैं, जैसे कि फ्लाई एस ग्रेड हो गया और कैल्सियस ग्रेड हो गया। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें उसके सरफेस रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट होती है, फायर रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट होती है, वाटरफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट होती है। तो इन सब का हम लोग यूज़ करके कंक्रीट बनाते हैं। अब अगर हम एग्रीगेट पे आते हैं तो एग्रीगेट क्या होते हैं? बेसिकली एग्रीगेट हमारे कोर्स मटेरियल होते हैं या फिर आप फाइन मटेरियल, जो कि हमारे कंक्रीट के 60-70% पार्ट को कवर करता है। एग्रीगेट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक फाइन एग्रीगेट होता है और एक कोर्स एग्रीगेट होता है। अब हम इनको मतलब डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन सा हमारा फाइन एग्रीगेट है और कौन सा हमारा कोर्स एग्रीगेट है? तो हमारे लिए आई एस कोड 4562000 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूज़ किया हुआ आई एस कोड हमारे कंक्रीट डिज़ाइन के लिए, तो उसमें ये बताया गया है कि उसमें हम आई एस सीव का यूज़ करते हैं। सीव एनालिसिस टेस्ट हम सब जानते हैं क्या होता है, उसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग सीव का यूज़ करते हैं। सीव बेसिकली हम उसे छलनी बोल सकते हैं। तो उसके अलग अलग साइज़ होते हैं, तो जिसका साइज 4.75 से नीचे रहेगा, mm से नीचे रहेगा, उन्हें अपन फाइन को एग्रीगेट बोलते हैं, और जिनका साइज 4.75 से ऊपर रहेगा उन्हें अपन कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। अब जिस तरह अगर फाइन एग्रीगेट की बात करें तो उसमें हमारा सैंड आ जाता है, और अगर हम कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो वो ग्रेवल और क्रस्ट स्टोन आ जाते हैं। अगर कोई भी जो जिस तरह मतलब बेसिकली सीव एनालिसिस आप कैसे समझ सकते हो कि अगर कोई भी हमारा सीव है 4.75 mm से नीचे पास हो जाता है तो वो हमारा फाइन एग्रीगेट हो गया, और अगर कोई भी मटेरियल जो कि 4.75 mm की सीव से पास नहीं होता वो हमारा कोर्स मटेरियल हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, हमारा वाटर। अब हम वाटर का यूज़ क्यों करते हैं? वाटर का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो हाइड्रेशन में हमारा मदद करता है। अब अगर हम लोग डायरेक्टली सीमेंट एग्रीगेट को मिला के रख दें तो वो हाइड्रेट नहीं होगी, वो उतनी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग को वाटर का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम मैंने जिस तरह बताया उसका यूज़ अपन हाइड्रेशन के लिए करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडमिक्सचर्स। अब क्या होता है कि हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों मतलब हमने कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट की तो जहाँ पे ज़रूरत है हम बना सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन में हमें उसमें कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमारे कंक्रीट की। जैसे कहीं पे अगर हमें पता है कि यहाँ का टेम्परेचर हाई है तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे उतना टेम्परेचर को बियर कर सके, या फिर अगर फायर इंसुलेटिंग, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ डालने के लिए उसमें लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडमिक्सचर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो अब एडमिक्सचर्स भी बहुत सारे होते हैं, आप आयरन ऑक्साइड का यूज़ कर सकते हो, आप एलम का यूज़ कर सकते हो, आप पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ कर सकते हो, और इन सबसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आपके कंक्रीट में आ जाती हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे कंक्रीट की, अब हम कंक्रीट यूज़ क्यों करते हैं? आजकल अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट है। तो वो क्यों यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं? तो हम ये बात कर सकते हैं, पहली चीज़ तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, दूसरी बात करें वो इकोनॉमिकल होता है, तीसरी चीज़ अपन क्या बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, और इस टाइप से बहुत सारे उसके एडवांटेजेस होते हैं। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं कि हमारी कंक्रीट कितने अलग अलग टाइप की कंक्रीट होती है। अगर हम लोग जब तक हमारी कंक्रीट सेट नहीं होती हुई होती है तब तक हम उसे बेड कंक्रीट बोलते हैं या फिर ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं, और जब वो सेट हो जाती है हमारी मतलब बेसिकली फुल्ली हार्ड अपनी फुल्ली स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है, हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राई कंक्रीट बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हम उसे उसके मटेरियल के ऊपर डिफाइन करें तो अगर हम लाइम का यूज़ करते हैं बिल्डिंग मतलब कंक्रीट को बनाने के लिए तो वो लाइम कंक्रीट कहलाती है, और अगर हम सीमेंट का यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। उसके बाद अगर हम उसकी डिज़ाइन पैरामीटर्स पे बात करें तो हमारी तीन टाइप की होती है। पहली होती है आपकी प्लेन अपना प्लेन सीमेंट कंक्रीट, दूसरी होती है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। जो आपकी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है उसमें हमारा कोई भी स्टील का पार्ट नहीं होता, वो बहुत मजबूत होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, या तो आप फाउंडेशन में कर सकते हो या फिर आप बिल्डिंग के फ्लोर में कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट सेम वही प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है, बस उसमें हम लोग स्टील को एम्बेड करते हैं, उसमें हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होती है हमारी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, तो यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट कंक्रीट होती है इसमें हम लोग का
इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ और शेयर फोर्स को भी वो बियर कर सकती है। जनरली इसका यूज हम लोग स्लैब में, कॉलम में, अपन के बीम में, इन सब चीजों में हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। हम लोग उसका यूज कहाँ पे करते हैं, उसे हम बनाते कैसे हैं? तो जिस तरह हमने बताया कि आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, उसको अपन ऑन साइड बनाते हैं। रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टील को एम्बेडेड कर देते हैं। वो स्टील जिसका 6 mm से 32 mm तक की डायमीटर का अपन यूज करते हैं। अब हम आते हैं कि इसमें प्रीस्ट्रेस में, तो प्रीस्ट्रेस जो होता है हमारा, उसमें हम लोग जब कंक्रीट बनाते हैं उसमें पहले से ही ऑटोमेटिकली उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंड्यूस करा देते हैं, पहले से ही उतना स्ट्रेस में फील कराते हैं, मतलब उसको रखते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा गेन हो जाती है। नेक्स्ट, अब हमारी ये कंप्लीट हो जाते हैं कि हमारे कंक्रीट कितने टाइप की हो गई। अब हम आते हैं कि कंक्रीट के कितने सारे अलग अलग ग्रेड हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456/2000 के हिसाब से देखें तो हमारे पास M5 से M80 तक के कंक्रीट अवेलेबल है। अब M5, M10, M80 ये क्या होते हैं? M हमारा बेसिकली होता है मिक्स, और जो यहाँ पे 5, 7.5, 10, 15 ये सारे होते हैं उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप सबने बहुत सारे अलग अलग टेस्ट पढ़े होंगे, हम लोग उसके टेस्ट करते थे, क्यूबिकल टेस्ट करते थे। हम लोग एक क्यूब बनाते हैं 150 mm का, तो उसके बाद हम उसमें क्या करते थे, उसमें कंप्रेशन फोर्स लगाते थे, उसको बहुत ज्यादा दबाते हैं और उसको एक अहम लास्ट पॉइंट तक लेके जाते हैं जब वो फ्रैक्चर पॉइंट आ जाए उसमें और वो ब्रेक हो जाए, तो वो जो उसका लास्ट पॉइंट होता है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अगर हम लोग M10 की बात करते हैं तो M10 में बेसिकली M जो होता है वो मिक्स कहलाता है और 10 उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली क्या कहलाती है कि किसी भी स्ट्रक्चर या फिर किसी भी आप कंक्रीट की अगर बात कर रहे हो उसमें को अगर हम लोग कंप्रेशन जोन में रखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं और उसको एक लास्ट पॉइंट तक लेके जाते हैं जब वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो जो लास्ट नंबर होता है, वो जो लास्ट उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसे आप लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं कि वो कितना फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स झेल सकता है। तो यहाँ पर अगर M10 की मैं बात कर रहा हूँ तो M उसका मिक्स होगा और 10 उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग FCK से डिनोट करते हैं और उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इन सब के अलग अलग प्रोपोर्शन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अब हम लोगों को मान लो मैंने बोला मेरे को M10 ग्रेड की कंक्रीट बनानी है, तो अब मुझे ये तो पता नहीं हम कौन सी सीमेंट यूज करेंगे, उसमें कितना पार्ट सीमेंट का यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें IS कोड में दे के रखी हुई हैं। अगर हम M10 का यूज करें तो उसका प्रोपोर्शन होता है 1:3:6, जहाँ पे 1 part ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, 3 part ऑफ सैंड यूज करते हैं और 6 part हमारा एग्रीगेट होता है, उसमें कोर्स एग्रीगेट होता है। तो इस टाइप से हम लोग इस सारे मिक्सचर्स को प्रिपेयर करते हैं। हमने क्या सीखा आज? हम लोगों ने ये जाना कि एक तो सबसे पहली चीज़ कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बिल्डिंग मटेरियल हमारा कंक्रीट है। कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, हम कैसे उस कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा सकते हैं और हमारे पास कितने सारी अलग अलग टाइप की कंक्रीट यूज़ की गई है, हमारे पास कितने अलग अलग टाइप के ग्रेड्स होते हैं और हम कौन कौन से कोड्स की मदद से अपने कंक्रीट के बारे में वर्क कर सकते हैं। आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हो, हमें IS कोड 456/2000 का यूज़ करना है। इस बारे में और जानेंगे नेक्स्ट वीडियो।